द फूड लविंग कपल, रियल कपल इज हियर. क्या उम्मीदें हैं ओरा को लेके, नई होटल है? सच्ची बोलो, आप लोग फूड लवर्स नहीं है? तो हमारा ऐसे ही नाम बदनाम हो गया है कि हम फूड लवर्स हैं. फूड लवर्स, एवरीबॉडी इज अ फूड लवर. हमारे पीछे छुप जाते हैं सब फूड लवर्स, हम लोगों को आगे करके. बट द ओरा, द एंटायर ओरा ओवर हियर इज मेस्मराइजिंग, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल. आई निर्मल आने से पहले मैं अंदर जाके एक गोटी सोडा बहुत सालों बाद मैंने पिया. आई एम सो हैप्पी कि कॉकटेल्स, मॉकटेल्स और डिफरेंट, द एंटायर बार सेक्शन इज आउटस्टैंडिंग. बट मैं अल्कोहल नहीं लेती, तो मुझे गोटी सोडा दिखा एंड आई जस्ट वेंट इन फॉर इट. माइंड ब्लोइंग. आई थिंक और भी बहुत कुछ चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करना है, बट मैं बाइट देने के लिए आ गई. बट आई एम लाइकिंग दिस पार्ट आल्सो. आप लोगों को पता है कि ऑन स्क्रीन हम ऐसे कपल है कि जिनको या इनको खाना बनाना बहुत पसंद है और मुझे खाना पसंद है. तो हम दोनों का तो मैं उनको हमेशा, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो मैं उनको उनसे सजेशन लेता रहता हूँ कि भाई आज क्या लाए हो, क्या बना सकते हैं. तो ये खाना बहुत अच्छा बनाती है और मैं खाता बहुत अच्छे से. मेरा अगला सवाल यही था, जिस तरह आप तरह तरह की डिशेज बना के सर को देते हो, कितने सालों से, इतने सालों से, ओवर ए डेकेड, पर आप रियल लाइफ में सैटरडे नाइट में किस तरह से प्लान करते हो? हाउ डू यू प्लान द सैटरडे नाइट? रियल लाइफ में मैं पोस्ट सनसेट नहीं खाती, बट ऑन ओकेजंस लाइक दीज, या कहीं शादी में गए हैं, बर्थडेज हैं, फ्रेंड्स के साथ गए हैं, तो मैं रात को खाती हूँ. बट अ वेरी लाइट ईटर एट नाइट. एंड क्या सैटरडे नाइट की क्यों खास है? एवरी डे स्पेशल यार. हम लोग तो, लोगों ने बोल दिया कि भाई सैटरडे नाइट, बाकी सारे दिन बाकी सेम तो है. पूरे दिन सेम है. सैटरडे टैग निकाल दो तो पूरे नाइट सेम ही है. सो आई एम रियली हैप्पी कि हम लोग इंडिया में हैं, एंड स्पेशली इन मुंबई जहाँ पे इतने सारे फूड वराइटीज़ हैं. मतलब हमारे सेट पे ही गुजराती खाना आता है, पंजाबी खाना आता है, पारसी खाना आता है, मराठी खाना आता है, मैं कोंकणी भी हूँ तो कोंकणी खाना भी आता है. एंड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स आर ऑल वेरी नाइसली हम लोग लाइक डब्बा एक्सचेंज करते हैं कि हम लोग सब साथ में बैठते हैं, एक दूसरे का खाना शेयर करते हैं, तो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है, तो मजा आता है. यस यस, वी हैव, वी मतलब 15 साल हम लोगों को लग नहीं रहा है कि हम लोगों ने 15 साल कंप्लीट किया. व्हिच इज योर फेवरेट फूड डिश? कोई ऐसी एनी वेज, एनी वेजिटेरियन डिश, स्पेशली पाव भाजी. घर चलो बताती हूँ. That will be injustice. food. में जो भी आता है, vegetarian, eatable. कोई एक अलग नाम लेके उसको साइड नहीं करना. नहीं करना है, वो भेदभाव नहीं कर सकते. हम लोग तो नहीं कर सकते. Thank you so much. Thank you. Thank you. All the best. I'll call her. Well, अभी 2 महीने हुए मेरी शादी को, बट मेरे को कुछ ज़्यादा अलग लग नहीं रहा है. लाइक वी वर डेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वी वर टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अमेजिंग फैमिली. मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा है कि मतलब मैं एक घर से उठ के दूसरे घर में आई हूँ. इट्स जस्ट दैट यू नो बोथ फैमिलीज आर माइंड नाउ एंड आई एम द इम्पॉर्टेंट पर्सन बोथ द फैमिलीज. तो ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी. Aura is a place where I would love to come on dates with my husband, as well as come here as a with family as well. क्योंकि ये कैसी जगह है जहाँ पे आप ना दोनों तरीके के लिए, it's not only like
सिर्फ हिप है कि यू नो दैट सिर्फ पार्टी हम कर रहे हैं तो सिर्फ यंगस्टर्स आ रहे हैं. आप अपनी फैमिली के साथ आके चिल कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आके चिल कर सकते हो. एंड वेल ऑरा थोड़ा मेरे लिए बहुत स्पेशल भी है बिकॉज इट इज़ ओन्ड बाय माई बेस्ट फ्रेंड गौरी. Hello, so, मैं यहाँ पर पहले आ चुकी हूँ बट जब मैं आई थी इट वॉज फॉर एवरीबॉडी बट टूडे इट्स रेडी, इट्स वेलकमिंग एवरीबॉडी ओवर हियर. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सीरियसली. सो यस, दिस इज एन अमेजिंग प्लेस एंड आई एम श्योर especially Mumbaikers, you will love it. So please come, eat, enjoy with your friends. The best part is it has both the sort of ambience. आपके पास अंदर भी है where you can sit and chill, you know. थोड़ा सा अगर आपको शांति से बैठना है पर बाहर आके सुकून भी है. आप अंदर पार्टी करो, बाहर आके आप थोड़ा सा शांत हो, इन्जॉय करो अच्छी अच्छी ठंडी ब्रीज को. सो आई थिंक द बेस्ट इज इट हैज़ बोथ द एम्बियंस. मतलब कई बार क्या होता है हम कहीं पर जाते हैं डिनर के लिए या पार्टी करने के लिए, वहाँ पर एकदम बंद बंद जगह हो जाती है. सो इट्स नॉट ओपन, इट्स नॉट वेंटिलेटेड. यू हैव बोथ द प्लेस ओवर हियर, यू हैव गुड वेंटिलेशन एज वेल एज गुड party hip hopping place. So I guess that is the best part of all, I would say. Thank you, lovely to see you too. What would you like to say about the aura? Is it comfortable if I talk in many languages or is it yeah, one? It's okay. Okay, firstly hi. So happy to be here and it's kind of like a soft launch for Aura, and as the name suggests, it is absolutely beautiful and the Aura is very energetic here. It's a beautiful space, it's a youth space and with so much of love and warmth. I'm very happy to be here, so thank you. Most of the times, I think I'm working, but it's good to be here. And just like I said, आपको कि Saturday night being the night, lot of youth energy, lot of young people here. Also, like it's a great place for everybody. So loving it. Thank you. खाने में most of the times I like non-veg, और मैं बहुत खा रही हूँ अभी. बोलिए. हाँ, ओ डेफिनेटली. मैं अभी तो फिलहाल एड शूट्स कर रही हूँ एंड आई थिंक आई एम इन प्रोसेस ऑफ डूइंग बेटर थिंग्स अहेड, बट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ मोस्टली एज ऑफ नाउ एंड आई एम ऑल्सो स्टडिंग, सो इट गोज हैंड इन हैंड. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड टाइम. ऑरा के लॉन्च पे आई हूँ और यहाँ का ऑरा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. सो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गौरी. आप बताइए, लाइक यू शुड गो एंड टेल अस मोर अबाउट दिस प्लेस. आई वांट यू गाइस टू फर्स्ट एंजॉय, यू हैव जस्ट कम इन, आई वांट टू हैव अ ग्रेट ऑरा हियर एंड प्लीज शेयर योर अमेजिंग टाइम विद अस एंड yeah, I'm sure it's gonna be amazing because वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, very positive and very nice. So I'm sure it's gonna be like thank you, thank you guys, thank you. क्या खाना पसंद करूँगी? Okay, क्या क्या है पहले वो तो देख लूँ तब decide करूँगी ना. यार ऐसे सोच सोच के तो नहीं, क्या सोचा है भाई? ये बोल रहे थे कि कुछ तो बहुत ही healthy सा कुछ चाहिए. Because he's very gym freak. अरे say ना, मैं क्यों बोल रही हूँ on his behalf? देखते हैं अभी क्या मिलता है खाने को. I think so, of course, सब कुछ ही खाएंगे और खाने से better, इधर का vibe बहुत अच्छा है जैसे कि हम लोग ने enter किया. So, you know, like, it's a good place, good vibe. So, आपको क्या पसंद है खाने में? मैं तो सब खाती हूँ भाई, पिज्जा विज्जा सब कुछ खाती हूँ.
नॉनवेज सब क्या मतलब हाँ क्या अच्छा आप नॉनवेज खाते हैं अभी चल रहा है ना हमारा शो दंगल टीवी पे सिंदूर की कीमत आई थिंक सो इनको तो पता ही है ना आपको तो नेशनल रिपोर्टर आपको तो पता ही है हमारे शो का अभी तो बात किया खाने का हेल्दी खाएंगे बिरयानी पिज्जा अच्छा एनी डे ट्विस्ट एंड टर्न हमारे शो की क्यों बातें कर रहे हैं हम लोग और आ गया अभी हम लोग के 400 एपिसोड कंप्लीट हुए एक हफ्ते पहले ही सो मजा आ रहा है ऑडियंस का प्यार मिल रहा है और मुझे ऑडियंस की नफरत मिल रही है वही मिलती है मुझे हर शो में क्योंकि बट मेरे साथ इसकी शादी हुई है तो प्यार भी मिल रहा है हां मतलब और आप आए हो उम्मीद करते हैं एंजॉय करें हां जी थैंक यू सो मच थैंक यू हाय लाइकवाइज हाँ फर्स्टली आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट क्योंकि अभी एक नया बिजनेस ट्राई करना एक नई जगह पर खोलना चलाना एक इट्स अ बिग थिंग एंड इन्होंने डेयर किया है और मुझे जगह बहुत ही अच्छी लग रही है फर्स्टली सेकेंडली सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे बहुत ही रिलैक्स्ड एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस है जो एक बहुत प्लस पॉइंट है क्योंकि आधे टाइम हम ये सोचते हैं गाड़ी लेके जाए कि नहीं जाए कहीं भी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने जगह बनाई है वो बहुत अच्छी लगी मुझे एंड आई एम श्योर दे आर गोना रॉक इट और मैं यहाँ पे आया हूँ उस खुशी में शामिल होने के लिए विश करने के लिए हाँ मतलब ऐसा नहीं है मैं तो मेरे लिए सभी वीकेंड होता है क्योंकि अगर जैसे फॉर अस एक्टर्स अगर हमारी शूट है तो हर दिन मंडे होता है हमारे लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ संडे मंडे और अगर हम फ्री हैं तो फिर हर डे सैटरडे ही होता है तो ऐसा कुछ अलग नहीं है सैटरडे में हाँ बाकी सैटरडे है तो वो गुड आइलैंड को छोड़ के मैं थोड़ा ब्लैक कपड़े पहन के यू नो माय अदर साइड लेके बाहर निकला हूँ सो यार हाँ नहीं एक वेब सीरीज़ है जो मैंने अभी साइन किया जो मॉरिशस में शूट करेंगे और उसमें मल्टी स्टारर है बहुत सारे लोग हैं उसमें पर अभी NDA साइन किया हुआ है तो मैं ज़्यादा डिटेल्स आपको रिवील नहीं कर सकता उसके पहले मैंने क्या किया एक स्पेन में मैं म्यूज़िक वीडियो शूट करके आया हूँ स्पेन में टेनेरिफे आइलैंड में बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है जिसको भी मौका मिले प्लीज़ जाइए तो उस बहाने मेरी एक स्पेन ट्रिप भी हो गई सो या अपनी लकी थैंक यू सो मच I have just come here and I can feel the vibes. Which is positive, obviously. और अच्छा लग रहा है बहुत refreshing है and I just cannot wait to go inside and you know taste the food because I'm hungry and I really wish you know the best. Thank you so much. I hope सब अच्छा चले सब अच्छा हो and आपकी जो smile आज है वो हमेशा बरकरार रहे. नई शुरुआत है तो ऐसी ही रहे. Thank you.
हाँ हाँ बिल्कुल खाएंगे, वेजिटेरियन हो कुछ वेज खाएंगे, अच्छा ऐसा हाँ खाएंगे। थैंक यू। कुछ स्पेशल नहीं होता है हमारी लाइफ में, शूटिंग करके आओ, सैटरडे संडे मंडे सब जगह होता है, बट इट्स आज अच्छा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद सैटरडे नाइट के लिए कहीं बाहर गए हम लोग। मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, आई एम ऑलवेज होम, सो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है इफ आई एम आउट ना, हर बार तो शूट ही करते रहते हैं, फिर जब ऐसा कुछ मौका मिलता है बाहर आने का तो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड। टाइम निकालना ही पड़ता है क्योंकि अपने ही साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। मुबारक हो। थैंक यू। एक्चुअली वहां से यहां तक चीज है, सुपर सुपर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यार मतलब मेरे को आए हुए मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुए, बट द पॉइंट इज कि जो नाम है जगह का वो वाइब में भी दिख रहा है। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आके बॉम्बे में टू गेट अ यूज प्लेस लाइक दिस आई थिंक इज वेरी रेयर, और इट्स एंड एट द सेम टाइम हैव सच अ ब्यूटीफुल ऑरा। या एग्जैक्टली, वी हैव अ ब्यूटीफुल ऑरा इन बॉम्बे नाउ। यस, वी हैव अ ब्यूटीफुल ऑरा फॉर इट। थैंक यू। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ना यार, एक जगह मतलब क्लब सुन के यूजुअली सिर्फ डिंजी प्लेस एंड यू नो लाउड म्यूजिक और ये सब आता है ध्यान में, बट आई थिंक दिस प्लेस इज एक्चुअली गॉट अ वेरी आर्टसी टच टू इट, सो मतलब टेस्टफुल लोगों के लिए टेस्टफुल क्लबिंग जोन, प्लस यू नो द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ प्लेस वेयर पीपल कैन सिट एंड चिल एंड टॉक ऑल्सो। जरूरी नहीं कि अगर आप आए हो तो आपको लाउड म्यूजिक में ही बैठना है, there's a pool side, there's a you know beautiful lawn side and then there's a full dancing area, to aapke paas sari cheeze karne ka ek hi jagah pe scope hai, which is decide what mood you are in. Yes, definitely. hum log teen alag alag jagah jaate hain jaise aaj ye wala zone hai to aaj yahan jaate hain, aaj pool side chal karna hai to yahan, this is like all in one, to aap yahan aake you can spend a long amount of time. So I think it's super beautiful. I'd like to say yes, of course, there is a beautiful aura that has been created. The dancing place is beautiful, but at the same time, no matter where you look at, there are such beautiful paintings, like this Radha Krishna painting. Oh, over here. It's so peace giving. It's beautiful. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much. And many, many congratulations. Thank you so much. Thank you.